अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं सिद्दीकी बर्ड फार्म। मैं हूं शम्स जावेद और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आपके तमाम बर्ड्स खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कुछ अपने फेवरेट बर्ड्स, तो वैसे तो बर्ड्स सारे ही फेवरेट होते हैं, तमाम बर्ड्स मेरे फेवरेट हैं, लेकिन कुछ ऐसे रेयर म्यूटेशंस जो हैं, मैं उनमें से कोई एक दो म्यूटेशंस ऐसी हैं जैसे कि ओपल कट थॉट है, आज मैं आपको वो दिखाऊंगा। उसकी लेइंग स्टार्ट हो गई मेरे पास, उसके स्प्लिट्स में भी मेरे पास कुछ पेयरिंग लगी हुई है, तो वो दिखाऊंगा। इसके अलावा डायमंड स्पैरो है, दोनों कैटेगरी जो हैं ये स्पैरो कैटेगरीज हैं, तो इनकी डिटेल्स के साथ मैं आपको इनकी दिखाऊंगा कि किस तरह से इनके, अच्छा इनमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि ये एग पोस्टिंग जो है इनकी नेसेसरी है, ये अगर इनके पास हम एग छोड़ दें तो ये अपने एग ख़राब कर देती हैं। तो हम इनके एग मूव करते कैसे हैं ये सब तो आपने पिछली प्रीवियस वीडियोज़ में देखा होगा। तो डायमंड के अभी मैंने एक एग देखा था, वो मैं मूव करने वाला था, तो मैंने सोचा आपको वो भी दिखा दूंगा। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी क्या प्रोग्रेस है। ऊपर कटथ्रोट के स्प्लिट्स चाहिए, ये कटथ्रोट के पेड़ है, कटथ्रोट में रेड पेपर चाहिए। कटथ्रोट की कुछ वेरिएशन रहती हैं जो इस वक्त मार्केट में नहीं है, ये उनमें से है, उनके स्प्लिट्स में से है। इसका विजुअल पेयर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका विजुअल पेयर इसके बराबर में ही देख सकते हैं आप, मतलब वो अंदर है इस वक्त, ये बाहर आ गया, सही है। ये है ओपल कटथ्रोट ऑरेंज रिबन में, ये पाकिस्तान में रेयरेस्ट ब्रीड है, पाकिस्तान क्या इंटरनेशनली भी बहुत रेयरेस्ट ब्रीड है। अल्बाइनो और ओपल कटथ्रोट जो है ये रेयर ब्रीड में से आता है, कटथ्रोट रेयर ब्रीड में से आता है। इसकी भी लेंग आ चुकी है माशाल्लाह, ये इनके स्प्लिट्स हैं, इनकी भी लेंग आ चुकी है, ये देख सकते हैं आप, ये आपको दिख रहा होगा। अच्छा ये दिखाइए रिवर्स को, यहाँ पे इस तरह से हमने प्रिपरेशन जो की थी उसका ये सेकेंड आ गया। 19 सितंबर को फर्स्ट एग आया है, 20 सितंबर को सेकेंड एग आ गया है, सही है। अच्छा तमाम बॉक्सेस के ऊपर नंबरिंग आ चुकी है, ये हमारा ब्रीडर पेयर है, पेयर नंबर 70, सही। ये आपका यहाँ पर एक ही एग आया है, सेकेंड एग अभी तक नहीं आया है, तो इसका 66 है, यहाँ भी देख सकते हैं आप, एक एग आपको दिख रहा होगा। इनको भी मैंने शफल करना है, तो वो मैं कर दूंगा बहुत जल्दी। अच्छा ओपल भी देख सकते हैं माशाल्लाह, यहाँ पे भी ओपल की कैटेगरी लगी हुई है। ओपल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत रेयर है, पाकिस्तान में अभी तक इसके बहुत ज़्यादा इसकी ब्रीड वगैरह नहीं आई है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इसके अभी भी एग्स हैं, और लास्ट सीज़न भी हमने इसके ऊपर बर्किंग की है, तो उस बर्किंग को तो खैर उसके बच्चे वगैरह जो थे आए थे, फिर उसके बाद जो है उसमें निकालती वगैरह आ गई वेदर की वजह से। तो बस ये है कि इस दफ़ा दुआ कीजिएगा आप लोग कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको इसके बच्चे दिखाएं, इसके बच्चे दें आप लोगों को। ये भी स्प्लिट का पेयर है, इसके एग बिल्कुल कॉर्नर में इन्होंने किए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये तमाम एग्ज आपको दिख रहे होंगे, चार एग इसमें आ गए हैं, इसका ही मेंशन है। अच्छा पैनिक कुछ ये है कि इनके एग उठा के मूव कर दिए जाएंगे, अभी इस तरफ देख लें, यहाँ पे एफ कैटेगरी जो लगी हुई है ये पोस्टर कैटेगरी है, सही। एफ कैटेगरी जितनी भी है इससे इसको शफल करेंगे हम। ओपल की कटथ्रोट की हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगह लिंग है, गिलिंग है, एक और यहाँ पर भी दो लिंग मौजूद है। 16 सितंबर को पहला एग आया, 17 को दूसरा आया, अभी तक तीसरे एग का वेट था, तो आज ये नहीं एग लेइंग कंप्लीट नहीं कर रहा, तो इसको मैं मूव कर दूंगा। एक और एग लेइंग यहाँ पर आई थी 57 के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इनकी 4 एग की लेइंग आ चुकी है। ये भी ओपल की कैटेगरी है, डायमंड स्पैरो यहाँ लगा हुआ है, डायमंड स्पैरो का भी मैं आपको दिखाऊँ, इसमें भी एक एग आ चुका है, दूसरा भी एग आया होगा इसका, लेकिन क्योंकि 18 सितंबर का फर्स्ट एग है 1920, दूसरा भी एग आया होगा इसका, लेकिन ये तोड़ देते हैं दूसरा, जो मेरा ख्याल है तोड़ दिया है, देख रहे हैं इसके ऊपर भी येलो येलो सब कुछ लगा हुआ है, क्योंकि दूसरे का भी छिलका वगैरह वो कोने में शायद ये साइड में दबा हुआ है, तो इसको तो पहले पूरा मूव कर दो, इसको जहाँ लेट करो, ये पहले ये जैसे इसको ढेर करेंगे ये तोड़ के ख़राब कर देगा, डायमंड के लिए बिल्कुल इसको ले दें। अच्छा इसको हम रखते हैं, B53 से हमने निकाला, ये देखें इनकी प्रिपरेशन तैयारी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, ये जैसे बैठी हुई है, आर्टिफिशियल एग्स दिए हैं इसको हमने, अब इसको हम आर्टिफिशियल एग्स के बाद अब इसको हम देंगे एक रियल एग, ठीक है, इसी तरह इसका रियल एग रख के
यहाँ से इनका आर्टिफिशियल एग हटाएंगे और ये आर्टिफिशियल एग मैं दे दूंगा उनको, ताकि उनको भी ये लगे कि उनकी लेइंग चल रही है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अगर एक आर्टिफिशियल एग इनके पास रहेगा तो इनशाला इनकी लेइंग अगर स्टॉप नहीं होगी, ये हमारी थॉट्स है, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा करने से इनको डिस्टर्ब नहीं होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे और हमारे पास कैटेगरी लगी हुई है, मास्केट लगा हुआ है, पार्सल ऊपर देख सकते हैं, पार्सल लगा हुआ है, नीचे पर्ल ग्रे लगा हुआ है, माशाल्लाह पर्ल ग्रे जो है, पर्ल ग्रे की भी आपको दिखा दें, पर्ल ग्रे की भी अल्हम्दुलिल्लाह लेइंग आ चुकी है, सेकंड लेग कर चुका है पर्ल ग्रे, एक सेकंड एग लेग कर चुका है, दो एग आ चुके हैं, लेइंग तो फर्स्ट ही है, एग दो आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ क्या लगा हुआ है, यहाँ अल्बाइनो जोरो लगा हुआ है, उसके साथ स्प्लिट का पीस है, सही है, ये आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा, अल्बाइनो जोरो का मेल मेरा ख्याल अंदर ही बैठा है, ये देखें, ये देखें, ये अपने एक, अब ये एक एग को इतना पोस्टर कर दिया है भाई, तो अब आगे के लिए जो है, अच्छा बर्ड जब कभी एक ही एग रह जाए काफ़ी दिन तक नहीं लेंगे आगे, तो अक्सर ये किया जाता है कि उस एक एग को भी उठा लिया जाता है, तीन से चार दिन के अंदर अंदर आपको अंदाजा हो जाता है कि ये नहीं दे रहा है, ये इसने रूटीन एग में से दे दिया है, या स्टार्टअप में दे दिया है, गैप के बाद लगा था तो फिर दे दिया है इस बर्ड ने, इनकी लेंग इस तरह से आई है, तो उस एग लेंग को हम उठा के एहतियात के तौर पर रख देंगे। मोस्टली तो ये होता है कि वो एक जब इस तरह का कोई एग आता है तो वो फर्टाइल होना बहुत कम ही होता है कि फर्टाइल हो जाए, लेकिन हो भी जाता है, ऐसा मुमकिन भी है कि फर्टाइल भी निकला है, तो इसलिए इसको उठा के पोस्टर करके हम ट्राई ज़रूर लेते हैं। अभी जैसे कि एक एग को पोस्टर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम आपको बाकी की चीज़ें दिखा रहे हैं, इसके साथ साथ हमारे पास कुछ लिंग आ चुकी है, कुछ लिंग नहीं आई है, हमारे पास पार्सल में जो है, पार्सल में हमारे पास एसिंग पार्सल है, फोन के साथ हमने उसको शेयर किया है कहीं पे, और कहीं पे हमने जो है बाइक के साथ शेयर किया है, इस तरह एसिनो पार्सल की पेयरिंग भी हमारे पास डिफरेंट जगहों पे लगी हुई है, मार्केट की भी पेयरिंग डिफरेंट जगहों पे लगी हुई है, बस इन सब की एग्लिंग का वेट है, और जो चीज़ें आ चुकी थी वो आपको दिखा चुके हैं, बॉक्सेस के हवाले से भी आपको तकलीफ बता दिया कम्प्लीट कि किस तरह से हमने इनको कम्प्लीट किया है। पहले जब आपका टूर जब आया था, आपने देखा होगा पिछले वीडियो में एक टूर हुआ था, उस टूर के अंदर आपने ये देखा होगा कि ये इस तरह से बॉक्स तो मेंशन नहीं था, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने और अपग्रेड किया है इसको, ये बॉक्स तो मेंशन कर दिया है, ताकि हमें मेंशन रहेगा कि किस रूम के अंदर हमारे पास इतने पेयर लगे हुए हैं, ब्रीडर बी फॉर ब्रीडर, अच्छा सीरीज इसकी चल रही है, एग फॉर पोस्टर इसकी सीरीज चल रही है। इसी तरह हमने, आप ये देख सकते हैं, एक ये गेट के ऊपर भी मैंने इस तरह से मेंशन किया है, इसी तरह मेंशन कर दिया हमारे बच्चे ने कि ये यहाँ पर B1 से लेके B28 तक की पेयरिंग लगी है ब्रीडर की, सही है, पोस्टर की लगी है 48 तक की 1 से लेके। इसी तरह यहाँ का भी हमने ये प्लान किया है, हर रूम को सेपरेट वो कर रहे हैं, और उसकी डिटेल के साथ आपको इंशाल्लाह हर दफ़ा अपग्रेड करते जाएंगे कि क्या क्या कहाँ पर किस तरह से आ रहा है, सही। मार्केट जो है, मार्केट का मेल आप देख रहे होंगे कैसे बिल्कुल चल आ रहा है, ये देखें, ये बिल्कुल रेडी है ऑलमोस्ट, ये हमारी डिस्टर्बेंस, हम अभी आए हैं आपको दिखाने के लिए, पहले हम इधर मौजूद हैं, अदरवाइज़ हम इस टाइम इधर नहीं होते हैं, इनको डिस्टर्ब करने का हमारा कोई ऐसे प्लान नहीं होता, तो मैं आपको यहाँ की को तकरीबन चीज़ें दिखा चुका हूँ। के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, कोई भी सवाल, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ग्रेडिंग हो तो उसके लिए आप बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट से आपसे वो भी मैंने इसलिए बता दिया आपको कि आपका पहले शिकवा है कि आपके पास जो है टैक्स नहीं आते, आप रिप्लाई नहीं करते, इंशाल्लाह वो भी आपका दूर हो जाएगा, आपसे आपको रिप्लाई किया जाएगा प्रॉपर, आपके हर मैसेज का रिप्लाई होगा, हर कॉल का रिप्लाई होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।